इस वीडियो में मैं आपको जो एनालिसिस की जो दो बेटर बच्चे हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले हम बता चुके हैं आपको श्रेणी वन क्या होती है और क्या होती है। नेक्स्ट जो आता है वो हमारा हुआ है घटक तुलना नीति। इसमें क्या होगा, समान जो घटक होते हैं आपके उनका चयन करेंगे जो जैसे चातुरी शारीरिक मानसिक आदि दशा है। ये कुछ फैक्टर्स है, इन फैक्टर्स का आपको पहले पता करना होगा कि जॉब में किस तरह के फैक्टर में आ सकता है। फिर प्रतिनिधि का चुनाव करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव, जिससे क्या होगा सभी दल दर सर्वमान्य योगदान दर हो वो क्या हो जाए, यानी कि एक जॉब के लिए समान विदाई दर और सब पेमेंट दर जो कि समान होता है उन समान दर को प्रतिनिधि होते हैं इसका चुनाव यहाँ पर किया जाता है, जिससे कि मौद्रिक दर ज्ञात हो सके, उसका वेतन दायित्व हो सके, मजदूरी दर का अनुभाजन हो सके और जो की रिजोल्यूशन के लिए उनका मूल्यांकन करते हुए हमें पता पड़ जाए कि इस जॉब में मजदूरी ज्यादा होगी, इस जॉब में मजदूरी दर कम होगी। बहुत हार्ड मेथड है और सबसे ज्यादा खर्चीली भी है, क्योंकि सब प्रोसेस ही क्या है, पहले समान फैक्टर्स वाले जो जॉब है उनकी तुलना करो, उनके मूल्य ज्ञात करो, प्रतिनिधि का उनका चुनाव करो, चुनाव के बाद मोदी दर ज्ञात करो, मोदी दर के आधार पर उनकी सैलरी डिसाइड करो। थोड़ा सा खर्चीला है और थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन इसी सबसे ज्यादा जो खासियत है वो ये कि विश्लेषणात्मक है, एनालिटिकल विश्लेषणात्मक है। बिना विश्लेषण के ये मेथड जो है यूज नहीं हो सकता, अतः ये खर्चीली तो हो सकती है लेकिन इसमें बड़े बड़े हमें जो है विशेषज्ञ चाहिए होता है। बिना विशेषज्ञ के ये विधि जो है यूजफुल नहीं है। नेक्स्ट विधि लास्ट आती है पॉल बिंदुधर। इस विधि में जॉब के अनुसार उनकी इम्पोर्टेंस के अनुसार बिंदु निर्धारित किए जाते हैं, मैथड के अनुसार बिंदु का निर्धारण होता है, उन बिंदुओं का टोटल किया जाता है, जोड़ा जाता है, उनको जोड़ने के बाद उनके मूल्य निर्धारण में बिंदु का कितना योग है, कितना प्रॉफिट है, लाभदायकता प्रॉफिटेबिलिटी ज्ञात की जाती है, जिससे कि उत्तरदायित्व चातुर्य प्रयास और उसकी दशा, ये चार फैक्टर मैंने आपको लिए हैं, उत्तरदायित्व चातुर्य प्रयास और दशा, ये चार घटक जो है, जो चार फैक्टर्स जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होते हैं। इन चार फैक्टर्स के आधार पर मूल्य दायित्व और फिर उनके वेटेज ज्ञात किए जाते हैं और वेटेज के आधार पर मौद्रिक मूल्यों का निर्धारण होता है। कुछ भी नहीं है सीधी में, बस इसकी जॉब की इम्पोर्टेंस के आधार पर बिंदु निर्धारित होगी, बिंदु के बाद उनको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनकी जो मूल्य होते हैं उनके निर्धारण में बिंदु का कितना वेटेज है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्ञात कर लेते हैं। वो बिंदु क्या क्या होते हैं, उत्तरदायित्व चातुर्य प्रयास और दशा, ये चार बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, उनके वेटेज जो है वो निर्धारित होते हैं और लास्ट में उनके मूल्य निर्धारित होते हैं। बहुत ही जटिल विधि, बहुत जटिल विधि, बड़े उद्योग के लिए सबसे सर्वोत्तम मानी गई। कहने का तात्पर्य यह है अगर इंडस्ट्री बड़ी है तो ये विधि उत्तम है, परंतु ये विधि जटिल भी है और जटिल होने के साथ साथ इसके द्वारा प्राप्त रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छे हैं। डिपेंड ऑन कंडीशंस, जैसी कंडीशंस होगी वैसे ही मेथड हम यूज करेंगे। मेथड सभी यूज किए जाते हैं, क्यों ज्यादा प्रचलित है क्यों कम प्रचलित, क्यों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आते हैं क्यों प्राइवेट, जैसा आपका इंडस्ट्री है, जैसे आपकी कंडीशंस है,
जेके आपके पैनिश कंडीशन है उसके आधार पर वेतन का चुनाव किया जाता है। तो ये आपका टॉपिक पूरा हो गया सर, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, अपना वीडियो कंटिन्यूटी में आप देखते रहे ताकि आप डायसिंग कर सके, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो आपको डायसिंग देगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है आपकी, इसको प्रॉपर रूप से आप करते रहे। ये आपका यूनिट जो है वो जल्दी समाप्त होने वाली है, इसलिए प्रॉपर रूप से अपना स्टडी आप करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।